या कसीला जायका रखती है और लम्स में चिकनी महसूस होती है, उन्हें हम हसास कहते हैं। जबकि कीमिया एतबार से ऐसे वो रक्तवाहक जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन तैयार करते हैं उन्हें हम हसास कहते हैं। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी में मिलाया जाए तो वो सोडियम का मुस्बत और हाइड्रोक्साइड का मनफी आयन तैयार करता है। इस बिना पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो असासी नियत रखने वाला है वो रक्तवाहक। असास की खसूसियात तेजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन कभी तेजाब की तरह कभी असास भी जो है वो झुलसा देने वाले होते हैं। जिस तरह से तेजाब को हम कमज़ोर और कभी तेजाब के अंदर जो है वो मुनकसिम करते हैं, इसी तरह से असास भी जो है वो कमज़ोर और कभी असास होते हैं। ऐसे मरकबात जिनका पानी में जो है वो मुकम्मल इख्तराक होता है और कसीर तादाद में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम कभी असास कहते हैं। उसी तरह से ऐसे असास या ऐसे मरकबात जो पानी के अंदर जिनका इख्तराक कम होता है या कम मकदार में जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन तैयार करते हैं उन्हें कमज़ोर असास कहते हैं। इस बिना पर जो है वो असास की जो है वो असास के अंदर जो है मंदा जैसी खसूसियात जो है वो पाई जाती है। मसलन असास का जायका जो है वो तल्ख होता है, असासी महलूल जो है कुछ खुले पर चिकनाई का एहसास होता है। इसके अलावा असास जो है असास का जो मेन असास का जो बुनियादी चीज़ है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। धातु के ऑक्साइड जो है वो असासी नोयत होते हैं और असासी महलूल के अंदर शुरू लेटमस कागज जो है वो पीला हो जाता है। असास के इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह होते हैं, मसलन धोने का या नहाने के साबुन के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घरों को सफ़ेदी करने के लिए हम लोग जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल जो है वो माने तेजाब दवाओं के अंदर होता है और बहुत सारी खाद्य तैयार करने के अंदर जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इस तरह से तेजाब और असास जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं और उनकी शनाख्त के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकते हैं।